स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। सो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए एक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है कविता अग्रवाल एंड कविक्स वर्ल्ड। इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। सो आज थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। सो मैं अहमदाबाद में खड़ी हूँ, इसके लिए मैं बोलूंगी केम छो मजामा। मुझे इससे ज्यादा गुजराती फ्लुएंटली मैं कैमरा में नहीं बोल सकती हूँ। सो कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग्स आपने काफी देखा होगा। मैंने काफी सारे ट्रेन जर्नीज किए, काफी सारे फूड जर्नीज किए, बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स दिखाए हैं, काफी सारा रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कवर किया, काफी सारे रिसॉर्ट्स भी कवर किए। सो आज पहली बार फर्स्ट टाइम कविक्स वर्ल्ड पे आपको बस जर्नी देखने के लिए मिलेगी। सो दिस इज भारत बेंस से गो रेड बेंस करके बस है जो हमने गंगा ट्रैवल से बुक किया है। अहमदाबाद से मुंबई की जर्नी हमारी कुछ अराउंड 12 से 13 घंटे की होने वाली है। एंड सबसे स्पेशल बात, दिस इज फर्स्ट ट्रिप, ये बस आज पहली बार चलने वाली है, न्यू बस है, एकदम ब्रांड न्यू बस है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बस जर्नी वाले व्लॉग्स के ऊपर। मुझे बस जर्नी वाली मतलब बस जर्नी से थोड़ा सा डर लगता है, टेल यू लेटर। एंड बस के जितने भी सारे फीचर्स हैं, इंटीरियर्स हैं, हमें खाने के लिए क्या क्या इस बस में मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। बस कितनी घंटे लगेगी, कितने किलोमीटर चलेगी। एंड एक और बात, ये बस अहमदाबाद से पुणे जाने वाली है वाया मुंबई, तो हम लोग मुंबई उतर जाएंगे। मुंबई भी ये अंदर अंदर से जाएगी, लाइक अंधेरी, बोरिवली, गोरबंदर रोड एंड काफ़ी अंदर सारे पैसेंजर्स को उठाते हुए ये पुणे जाएगी, हम लोग मुंबई उतर जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको इंटीरियर्स दिखाती हूँ एंड बाकी के सारे डिटेल्स मैं ऑन द वे ड्यूरिंग जर्नी आप लोगों को बताऊँगी। सो अहमदाबाद में हमने जिनके थ्रू बस बुक की है ना, वहाँ यहाँ मतलब उनके बेटे हैं, ये इसका नाम है जोगराज एंड ही इज़ वेरी मच एक्साइटेड। मतलब उसको बस के फीचर्स वगैरह के बारे में सब कुछ पता है, तो थोड़ा सा वो भी बताएगा एंड शायद गुजराती में बोलेगा, तो प्लीज़ आप लोग समझ लेना, बोलो। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ गुरेड मेंस। इन दिस यू कैन एंड इन दिस यू कैन गिव ए वन फूड पैकेट, स्नैक्स पैकेट, इन इन दिस यू कैन फाइंड वन in that you can find one wafer packet, one biscuit and two chocolates, and in these there are two small small AC and one pillow and one blanket, so you can sleep and you can feel in this bus you can feel comfortable and you feel any uncomfortable feeling, so you can also tell to the conductors that make your uncomfortable feeling comfortable. Thank you so much Jogra. So अभी आप लोगों को पता तो चल गया होगा, उसने बहुत अच्छे से ही बोला है। इनफैक्ट मतलब बस में हम लोगों को, मैं जो बाद में बताने वाली थी वो उसने पहले ही बता दिया। खाने का पैकेट भी हमें मिलने वाला है, एक स्नैक्स का पैकेट, एक पानी की बॉटल भी मिलने वाली है। एंड उसके हिसाब से मतलब मैं अभी आपको बस की इंटीरियर्स बताती हूँ। आप कलर कॉम्बिनेशन तो देखिए, क्रीम कलर है एंड पिलोज के कलर है ना रेड कलर है। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, दिस इज सिंगल सीटर एंड बाजू में ये डबल सीटर है, सब कुछ सेम है। बस दो यहाँ पे एक जन के लिए सोने के लिए एंड बाजू में दो जन के लिए सोने के लिए। कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा, क्रीम एंड पिलो के कवर आप देख सकते हो रेड कलर है। हेडरेस्ट वगैरह के लिए भी आपको जगह दी, आप लोग टेका लेके आराम से बैठ सकते हैं। एंड विंडो मतलब कर्टन्स ओपन करेंगे, धूप एंड एसी से मतलब धूप से बचने के लिए कर्टन्स दिया हुआ है। पानी रखने के लिए आपको बॉटल के लिए होल्डर दिया हुआ है, प्लस एसी का वेंटिलेशन मतलब आपको कम ज्यादा करना है तो आप लोग वो भी आराम से कर सकते हैं। लाइट्स बंद चालू करनी है तो वो भी कर सकते हो, एसी का फ्लो कम ज्यादा, प्लस चार्जिंग का जो बटन है वो भी आपको दिख रहा है। एंड प्लीज मतलब ये मेरी फर्स्ट बस जर्नी होगी, इसके पहले मैंने बस जर्नी बहुत बार की है बट मैं व्लॉग पहली बार बना रही हूँ। कुछ गलती हो, भूल चुक हो तो प्लीज माफ कीजिए एंड प्लीज बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे इस बस जर्नी पर। एंड वैसे ही मतलब जैसे ये सिंगल सीटर बताया वैसे डबल सीटर एंड डबल डेक, मतलब ऊपर भी आप लोगों को है एंड नीचे भी है। हमारी सीट ऊपर की है फिलहाल, तो ये ऊपर नीचे एंड यहाँ पे दोनों साइड में डबल, मतलब ऊपर भी डबल सो सकते हैं, नीचे भी डबल सो सकते हैं। कपल या फ्रेंड्स आप लोग आ रहे हो तो ऐसे बुक कर सकते हो। प्राइसिंग एंड ऑल मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी एंड बस कहाँ कहाँ स्टॉप करेगी वो सारी चीज़ें बताऊंगी। 750 किलोमीटर्स है अहमदाबाद से पुणे तक का, तो जो मतलब पुणे तक पहुंचने में ऑलमोस्ट आपको 15 से 16 घंटे लगेंगे, बट हम मैंने बताया जैसे हम लोग तो मुंबई उतर जाएंगे, मुंबई का 12-13 घंटा है, तो देखते हैं रात में हम कब तक जाग सकते हैं, बस कहाँ कहाँ रुकेगी, हम क्या क्या खा रहे हैं या फिर यू नो व्हाट इज द रूट ऑफ दिस बस, जो भी मुझे पता चलेगा मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ। सो ये बस की लास्ट सीट्स है, मतलब लास्ट टू सीट्स ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मतलब स्टेयरकेस दिया हुआ है एंड इसके ऊपर चढ़ के आप आराम से जा, क्लीन फुल्ली क्लीन है बस, अभी जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई है। एक्चुअली हम लोग फर्स्ट ही हैं, हम लोग थोड़ा सा पार्किंग में आ गए ताकि यू नो खाली रहेगा तो मुझे आप लोगों को दिखाने में इजी होगा। सो
इंटीरियर्स मैंने आपको सब कुछ बता दिया, फीचर्स और कुछ जो भी होगा मैं वो सब कुछ बता दी, प्लस मैं आपको ऊपर का आप सीलिंग मतलब ये सीलिंग बोलूँ कि क्या बोलूँ, बस का जो रूफ है आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल सीलिंग जैसे नहीं है, इसके ऊपर वॉलपेपर काइंड ऑफ कुछ तो इन्होंने लगाया जो इट इज लुकिंग डिफरेंट। एंड अभी मैं बस का आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में बताती हूँ, आप देख सकते हो कि बस कितनी लंबी है या फिर यू नो एकदम एक ही झलक में आपको दिख जाएगा सारा बस के बारे में, बस का इंटीरियर आई मीन। जाने के लिए मजा, सो सिटी ऑफ हेरिटेज टू सिटी ऑफ ड्रीम्स, यानी अहमदाबाद से मुंबई हमारा सफरनामा शुरू हो गया, पैसेंजर्स चढ़ चुके हैं एंड धीरे धीरे रास्ते में पैसेंजर्स तो ऑनबोर्ड होते रहेंगे। एंड मतलब आप ये देख सकते हो कि ये बीच में भी कर्टन्स का ऑप्शन दिया है, मतलब इमरजेंसी में बोलते हैं ना अगर कभी सिंगल सीट अवेलेबल नहीं है, डबल सीट में अगर दो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ये कर्टन्स भी बीच में दिया हुआ है आपका प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। एंड फिलहाल हमारी सीट ना ऊपर की है, अभी नीचे कोई नहीं है तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं नीचे बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार ऊपर से नीचे आने के बजाय मैं सोची मैं नीचे ही बैठती हूँ, एंड कोई आएगा तो रिक्वेस्ट भी करूँगी अगर उनको ऊपर चल जाएगा तो मैं नीचे ही रह जाऊँगी। और एक चीज़ मुझे बताना है कि मैंने बहुत सारे बस में ट्रैवल किया बट मैंने ये शू स्टैंड वाला सेक्शन अलग से कभी देखा नहीं है, हमेशा लोग यू नो चप्पल ऐसी उतार देते हैं, आने जाने वाले लोग चप्पल इधर उधर ढकलते रहते हैं, सो अभी शू स्टैंड के अंदर चप्पल्स वगैरह रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब किसी का पैर नहीं लगेगा, कोई जानबूझ के धक्का नहीं मारता बट लग जाता है। सो हमारी सीट ये ऊपर की है बट मैं अभी ऐसे नीचे बैठी, रास्ते में मैं जो भी चीज़ें आएंगी जो जो फीचर्स और कुछ मुझे नया पता चलेगा मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगी, खाने के लिए जो मेरा स्नैक बॉक्स आएगा वो भी बताऊंगी, कौन से ढाबे पे हम रुक रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, मेरा क्या क्या स्ट्रगल होगा इस बस के अंदर ट्रैवल करते वक्त, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। सो हमारी जर्नी शुरू हो गई है एंड जैसे मैंने बताया एंड जोगराज ने भी बताया कि हमें स्नैक बॉक्स मिलने वाला है, तो ये हम लोगों को स्नैक बॉक्स मिल चुके हैं, दो है मैं और विकी है इसके वजह से। एंड मतलब मैं अंदर तो आपको खोल के बताती हूँ बट उसके पहले ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुझे देनी है, मतलब अगर आप लोगों को गंगा ट्रैवल्स वाली बसेस बुक करनी है तो आप लोग यहाँ पे मतलब इट इज़ रिटन क्लियरली कि आप ड्राइवर या फिर कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट ना कीजिए, ये नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके आप लोगों की जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। एंड इनकी बसेस है ना एवरी डे चलती है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे दिन इनकी बसेस चलती है, तो आपको कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। एंड अभी इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ, सो ये बिस्किट है, दो चॉकलेट्स है, अरे बापरे ये ऐसे मुझे कोई तो चॉकलेट थी जो मैं ऐसे एल्पेनलीबे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऐसे वाला ये आ रहा है एंड दिस इज चना दाल, तो ये स्नैक्स बॉक्स में मिला है, प्लस ये पानी की बॉटल हमें मिली है, पानी की बॉटल थोड़ी सी गर्म है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है बट अंदर का टेम्परेचर होने के बाद ये भी नॉर्मल हो जाएगी। एंड एसी की भी कूलिंग काफ़ी अच्छी है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है अहमदाबाद में, बारिश ही नहीं है, मतलब क्या ही बोलो, अगर बारिश आ जाएगी तो मुझे लगता है बस की जर्नी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी रास्ते में जो भी कुछ आएगा, अभी नेक्स्ट स्टॉप शायद भैया जी ने बताया कि सूरत है, तो एक डेढ़ घंटा कुछ लगेगा बट बीच में कहीं पे स्टॉप हुआ या कुछ बताने जैसे हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। एंड अभी हम लोग ऊपर भी आके बैठ गए क्योंकि ना अभी मुझे नहीं मालूम नीचे वाले पैसेंजर कब आएंगे, फिर हम लोग ऊपर नीचे बैठ जाएंगे फिर आके उनको गंदा लगेगा, अनहाइजीनिक लगेगा क्योंकि हम लोग नीचे बैठे थे, तो हमने सोचा चलो ऊपर ही आके बैठ जाते एंड ऊपर से ही जो भी करना है फिर नीचे उतर उतर के बार बार जाएंगे व्लॉग बनाने के लिए। आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिए, मैं फर्स्ट टाइम इस बस में फर्स्ट टाइम बस में व्लॉग बनाने के लिए आई हूँ, आई टेल यू कि मैं बस वाली जर्नी प्रेफर क्यों नहीं करती एंड आप लोग सब मुझसे 500% एग्री करेंगे बट मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी, प्राइसिंग भी बताऊंगी, तो एंड तक आप मेरे साथ वर्चुअली अहमदाबाद टू मुंबई ट्रैवल कर सकते हैं वाया बस। तो अभी 6:30 हो गए, 4:45 बजे से हम लोग बस में बैठे, अभी तक तो कुछ ऑफिशियल स्टॉप नहीं आया
बट एक जगह बस पैसेंजर को लेने के लिए रुकी थी तो मैं वॉशरूम जाके आ गई। सो मुझे आप लोग बताओ कि जैसे कोई लोग फ्लाइट प्रेफर करते हैं, कोई लोग ट्रेन प्रेफर करते हैं, कोई लोग बस प्रेफर करते हैं, आप लोग किस में जर्नी करना प्रेफर करते हो? मतलब बस तो मेरे लिए एकदम लास्ट ऑप्शन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एकदम लास्ट ऑप्शन है। फ्लाइट एंड ट्रेन में से मैं टाइम एंड यू नो कॉस्ट ऐसे डिसाइड करके दोनों में से एक, मतलब फ्लाइट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है फिर भी, बट फिर भी अगर मुझे ऐसा लगता है ट्रेन में ज़्यादा अच्छा व्यूज़ है या फिर लग्जरी ट्रेन है तो मैं वैसे हिसाब से डिसाइड करती हूँ। बस मेरा लास्ट ऑप्शन मतलब मेरा है, क्योंकि लेडीज़ को स्पेसिफिकली वॉशरूम की बहुत दिक्कत हो जाती है। आई एम श्योर कि 500% लोग मेरे से एग्री करेंगे, अगर नहीं अग्री कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल होते हैं लेकिन जैसे पेट्रोल पंप पे या फिर जब होटल आएगा तब होगा, वरना अभी जैसे मैं अनऑफिशियल स्टॉप पे गई थी तो इतना गंदा वॉशरूम था, बट आई हैव नो चॉइस तो मैं वॉशरूम यूज़ कर आ गई। तो यही मेरा मेन कंसर्न है कि वॉशरूम की वजह से मुझे बस की जर्नी अच्छी नहीं लगती। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ऐसा कुछ और स्ट्रगल है जो आप लोग फेस करते हो, या फिर आप लोगों की भी ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, या फिर मैं अकेली हूँ जो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करती हूँ। बट मैंने दूसरे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे खुद व्लॉगर्स लोग भी बोलते हैं कि वॉशरूम की दिक्कत है, एंड कोई कोई बस में वॉशरूम्स भी अवेलेबल होता है। मुझे वो बस में ज़रूर जर्नी करनी है एंड देखना है कि उसमें मेरा जर्नी या फिर एक्साइटमेंट कैसा होता है। मैं ज़रूर ऐसी बस में ट्रैवल करूँगी जिसमें वॉशरूम इनबिल्ट है। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी थोड़े टाइम में मैं आपको यू नो हमारा इंजन फिर हाईवे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। सो अभी ऑलमोस्ट 7:15 हो गए एंड हमारी जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा केबिन राइड करवाती हूँ मेरे न्यू हमारे न्यू बस का। सो यहाँ पे ये फर्स्ट एड बॉक्स है, बाकी ये तो ड्राइवर दादा का सीटिंग एंड स्टेयरिंग एंड ऑल सब कुछ है। प्लस आप रोड देखो यहाँ के, मतलब जो हाईवे है, मतलब कहीं पर भी कोई खड्डा नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लीन। बोलते ना वडोदरा इज क्लीन एंड ग्रीन सिटी वैसा। तो अभी हम लोग गुजरात में हैं एंड सूरत आने में आराम से मतलब 9:15 हो जाएंगे तभी हमारा ऑफिशियल स्टॉप होगा। अभी तो बीच में कोई ऑफिशियल स्टॉप नहीं था। सो आई एम जस्ट अमेज विद द रोड। मतलब अगर आपको इंडिया वगैरह घूमना है, मतलब मुझे ऐसे लगता है, तो आप लोग रोड ट्रैवल करिए, बस ट्रैवल करिए, इसमें आपको सब कुछ अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। एंड कहीं पर कोई मतलब बीच में थोड़ा एक आध दो मिनट के लिए ट्रैफिक था, अदरवाइज तो कोई ट्रैफिक नहीं है, बस आराम से स्मूथली चल रही है। अभी आगे में मतलब और कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो वो भी आप लोगों को बताऊं। सो अभी कुछ 9:48 हो गए एंड अभी ऑफिशियल स्टॉप यानी डिनर के लिए हम लोग रुके हैं एक ढाबा पे एंड अभी हम लोग मुंबई नेशनल हाईवे पकड़ लिया। मतलब मैं आपको हाईवे भी बताऊंगी, बट अभी तक मेरी बस की जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब स्मूथ। बस में धक्का वक्का कुछ पता ही नहीं चल रहा क्योंकि रोड इतना स्मूथ है ना, मुझे मज़ा आ रहा है। सिर्फ एक ही दिक्कत है, वही मैंने जो आप लोगों को बोला वॉशरूम वाला, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एसी या फिर बस में मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट। एंड जो ड्राइवर भैया है, सिर्फ फर्स्ट वाला जो वॉशरूम मैंने बोला अनऑफिशियल जगह पर रुका था, उसके अलावा उन्होंने हर जगह पर अच्छी जगह पर रुकाया। खाने के लिए भी उन्होंने एकदम अच्छी जगह पर ही रुका है। खाने में हम लोग ऐसे लाइट ही मंगाए, मतलब मसाला भात एंड ये विकी को बघारेला रोटला खाना था, गुजराती काठियावाड़ी काइंड, तो वो थोड़ा सा ऐसे मंगाया। फूड रिव्यू नहीं, बट अभी बहुत ज़ोर से भूख लगी थी इसलिए हम लोग डायरेक्ट अंदर ही आ गए। बाहर जाके मैं थोड़ा सा आपको हाईवे वाला सीन्स बताती हूँ खाना खाने के बाद। यह हमारी बस देख लीजिए आप, रात में कैसी लग रही है, मतलब वीडियो में तो आपको दिख ही जाएगी, बट दिस इज़ माई बस नंबर एंड दिस इज़ गो बेंस। एंड ये सामने की साइड मुंबई नेशनल हाईवे। इतनी रात को काफ़ी टाइम बाद हम लोग नेशनल हाईवे पे आए। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, नेशनल हाईवे इज़ मेंटेन्ड बाय NHAI। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अभी ड्राइवर भैया ना सिर्फ हमारा ही वेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग लेट हो गए, तो फटाफट से हम लोग अभी अंदर जाते हैं। एंड देन अंदर जाके मुझे आपसे और एक दो बात करनी है, मैं वो भी बताती हूँ, मतलब वो भी करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि NHAI का फुल फॉर्म क्या है। हम तेरे पर हेलो हमारा ले लो।
अभी जो ऑफिशियल स्टॉप्स थे वो सब हो गए, हमारा डिनर विनर हो गया एंड बाहर देखो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, बट जर्नी एकदम स्मूथ जा रही है एंड समहाउ मतलब नाइट की जर्नी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने पहले की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो मैं बोलूँगी कि आप लोग एक बार तो ऐसे रोड जर्नी, बस जर्नी आप लोगों को करनी चाहिए, जिस मतलब जो बाहर देखने का नज़ारा या फिर ये बोलते हैं ना एकदम लाइटिंग वाली बस देखने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। मतलब वन टाइम तो आप लोगों को ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड अगर आपको बोलते हैं ना जैसे कि इंडिया घूमना है, बाहर देखना है कि इंडिया में क्या है क्या नहीं है, तो रोड ट्रिप्स इज़ इम्पॉर्टेंट, रोड ट्रिप्स ज़रूर करनी चाहिए। एंड जैसे मैंने इसके पहले वाले व्लॉग में बताया था, सॉरी मैं वापस से बता रही हूँ, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो, आज हमारा टारगेट था 3 व्लॉग कंप्लीट करने का। तो हमने फर्स्ट व्लॉग किया मुंबई टू अहमदाबाद प्रीमियम लग्जरी ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, उसका व्लॉग अलाइव हो चुका है, आप लोग वो चेक कर सकते हो। एंड देन उसके बाद में हमारा हमने एक अहमदाबाद स्टेशन के पास अनलिमिटेड थाली कवर की है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो थाली वॉज रियली ऑसम एट वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। एंड उसके बाद हमने अहमदाबाद टू मुंबई लग्जरी बस जर्नी की है, ये तो आप लोग देख ही रहे हो अभी तक यहाँ पर देखा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना ना भूलिए। एंड अभी इसके बाद मुझे लगता है कि हम लोग नीचे वीचे तो नहीं उतरेंगे, अगर उतरा तो वॉशरूम वगैरह के लिए। एंड हमारी जर्नी फुल नाइट की नहीं होगी, मतलब बीच में ही हम लोगों का स्टॉप आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये मुंबई होते हुए पूना जाएगी एंड मुंबई में हम लोग अराउंड 3-4 बजे उतरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या फिर अर्ली मॉर्निंग का हाईवे या फिर ऐसे कुछ हम लोग बता नहीं पाएंगे। एंड अभी बस थोड़ी देर में मुझे लगता है हम लोग सो जाएंगे एंड फिर रात को उतर के व्लॉग एंड करेंगे एंड देन न्यू व्लॉग में मिलेंगे। बस इतना ही मुझे यही बोलना था कि अगर आपको मेरी बस जर्नी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक वगैरह ज़रूर दीजिए, मुझे लाइक करना, शेयर ज़रूर करिए। मतलब मुझे बस जर्नी इतनी नहीं पसंद है बट स्टिल आई एम एन्जॉइंग माई बस जर्नी एंड मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो बस थोड़ा सा आप लोग भी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड रहूँगी, और कुछ नहीं बस। हमारी बस की जर्नी ख़त्म हो गई, आपने इसके पहले देखा होगा बस जा रही थी एंड हमने 4 बजे अहमदाबाद से ट्रिप शुरू किया था अपना, मतलब रोड जर्नी शुरू की थी। एंड अभी कुछ 2:41 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे तो लगी गए हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने। एंड मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी हुई, जैसे मैंने आप लोगों को वॉशरूम वाली दिक्कत बताई थी बट एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, मतलब स्मूथली हो गया, मैंने एन्जॉय भी किया, खाना भी एन्जॉय किया, व्यू भी एन्जॉय किया। अहमदाबाद से हम निकले थे ना, मतलब मुंबई हाईवे तक जब तक हमने डिनर वगैरह किया तब तक मुझे कुछ खड्डा वड्डा कुछ पता नहीं चला, उसके बाद हम सो भी गए। उसके बाद जैसे अपना वो विरार वाला रोड आया उसके बाद मुझे मेरी आँख खुल गई, इतने खड्डे खड्डे आने लगे। सो कोई नहीं, मतलब वो सब तो ठीक है। एंड मतलब इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो हमने कुछ अराउंड 1650 रुपीज़ पे किया था पर पर्सन अहमदाबाद टू मुंबई, एंड अहमदाबाद टू पुणे का भी वही प्राइसिंग है। अगर आप लोग को और किधर के लिए बुक करना है या फिर ये प्राइसिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है एज पर सीजन एज पर अवेलेबिलिटी, तो मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर्स दे दूंगी, प्लस आप लोग डायरेक्टली रेड बस वगैरह में भी देख सकते हो, गंगा ट्रैवल से बसेस होती है वो, एंड डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी तो आप लोग डायरेक्टली कॉल कर भी बुक कर सकते हैं। प्लस ये न्यू कंटेंट है कविक्स वर्ल्ड पर जो मैंने बस जर्नी डाली है, तो आप लोग प्लीज़ उस पर थोड़ा सा मुझे फीडबैक शेयर करिए, अपना पॉजिटिव सपोर्ट या फिर नेगेटिव भी कमेंट आप दोगे तो मुझे लगेगा एटलीस्ट आप लोग देख रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिलेगा उससे। सो बस इस ब्लॉग को आप ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर आपने ये बस जर्नी एंजॉय की है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कविक्स वर्ल्ड से सेम नाम से आप लोग मुझे सर्च करके वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। एंड मेरा कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट्स करके मैंने न्यू चैनल शुरू किया है जहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स या छोटे मतलब डिटेल्ड वाली थिंग छोटी छोटी क्लिप्स में डाल देती हूँ,
तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में, टाटा बाय। Thank you.